बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट वन की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 इनफिनाइट सीरीज शुरू किया हुआ है, ठीक है। और उस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2, और उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चल रहा है 26। इस चैप्टर में हम लोग डाइवर्जेंस टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर डाइवर्जेंस टेस्ट से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो हम लोग फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हम लोग इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर ये तीनों टेस्ट फेल हो जाएं तो फिर दो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है हमारे पास, एक है काशी रूट टेस्ट, इसके अलावा एक दूसरा है रेशियो टेस्ट, ठीक है। वो भी हम लोग क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम में यूज करते हैं। तो साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ, वैसे हमारा मसला डाइवर्जेंस टेस्ट से नहीं होता तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हो जाता है, ठीक है। अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से नहीं होता क्वेश्चन तो इंटीग्रल टेस्ट से लाजमी हो जाता है, ठीक है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम लोग नाम दे देंगे ए एन, लॉग एन डिवाइडेड बाय एन की पावर 3, ठीक है। तो अगर हम इस पे डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करें, डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है आप लोगों को लाइट सा इंट्रोडक्शन इसका करवा दूं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी होती है, ए एन इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो सीक्वेंस जो होती है डाइवर्ज कर रही होती है बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। ये डाइवर्जेंस टेस्ट होता है, क्या होता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्लाई कर रहे हैं सीक्वेंस पे, अगर रिजल्ट आ जाए 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो हम कह देते हैं सीक्वेंस क्या कर रही है, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, क्या कर रही है वो डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ए एन का नाम देके हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोथ साइड। तो अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोथ साइड अप्लाई कर दें, ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लॉग एन डिवाइडेड बाय एन की पावर 3। तो अगर n की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 कैलकुलस में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर हम लोग जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो हम बाय लॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, बाय लॉपिटल रूल। वो क्या होता है कि हम लोग ऊपर वाले फंक्शन का और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे n है तो विद रिस्पेक्ट टू n ले लेंगे। log n का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर n। n की पावर 3 का डेरिवेटिव कितना होता है, 3n स्क्वायर। अगर इसको सिंपलीफाई कर लें तो 3n की पावर 3 हो जाएगा और लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो 1 ओवर 3 इंफिनिटी की पावर 3 कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। अगर 0 रिजल्ट आ जाए तो ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हम लोग फिर अप्लाई करते हैं इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। कौन से टेस्ट अप्लाई करते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये हम लोग ने डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई किया तो इसका रिजल्ट आ गया 0। 0 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है, अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता तो हम लोग कहते थे कि ये सीक्वेंस क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक ए एन चाहिए होता है और दूसरा क्या चाहिए होता है, बी एन चाहिए होता है, ठीक है। ए एन हमारे पास है लॉग एन डिवाइडेड बाय एन की पावर 3। अगर लॉग एन का फंक्शन न्यूमिरेटर में आ जाता है तो बी एन जो आप लोग निकाला करो, वैसे नीचे क्या है, एन की पावर 3 है, ऊपर ये एंगल में है एन, ठीक है। ऊपर तो एन है नहीं तो एन की पावर 0 लिखो, ठीक है। नीचे एन की पावर 3 है तो आप लोग एन की पावर 2 लिखो। अगर लॉग का फंक्शन ऊपर आ जाता है तो आप लोग उससे मतलब 3 है तो या तो आप लोग ले लो 2.5, 3 से कम लेनी है पावर, ठीक है। तो बी एन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 ओवर एन का स्क्वायर। अब ये कौन सी सीरीज होती है, एलर सीरीज होती है। एलर सीरीज हमेशा क्या करती है, सीक्वेंस को कन्वर्ज करती है। ये क्या करती है, हमेशा
कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो bn हमारे पास ये एरर सीरीज आ गई है, ये हमेशा कन्वर्ज करती है। अब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। फार्मूला क्या होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का? n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn, an हमारे पास है ये वाला log n ओवर n की पावर 3, और bn हमारे पास कितना आया? bn हमारे पास है 1 ओवर, ये डिवाइड था 1 ओवर n का स्क्वायर, तो ये उलट हो जाएगी नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि डबल डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, n स्क्वायर आ जाएगा। अगर n स्क्वायर को n 3 से कैंसिल करें तो n आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा log n ओवर n, और लिमिट कितनी है? n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। दोबारा ये इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है यहाँ पे, तो हम अगेन इस पे अप्लाई कर देंगे बाय लॉपिटल रूल, बाय लॉपिटल रूल, इसको लॉपिटल रूल पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ पढ़ते हैं इसको हॉस्पिटल रूल, ये इसको वैसे पढ़ते हैं लॉपिटल रूल, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू n, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, log n का डेरिवेटिव 1 ओवर n होता है, n का क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n, और लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, नीचे इंफिनिटी और ऊपर कांस्टेंट, और कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और ये फार्मूला क्या था? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय bn, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब ये हम लोगों ने इसके रूल पढ़े हुए हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के, कि अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाए तो सीरीज या तो कन्वर्ज कर रही होगी या डिवर्ज कर रही होगी, लेकिन वो bn पे डिपेंड करता है। bn यहाँ पे है एरर सीरीज, ये कन्वर्ज कर रही है, तो इसका जवाब अगर 0 आ गया है तो हम लोगों ने bn को देखना है। bn यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है? an भी यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो आप लोग ने लिखना है सिंस bn is convergent, so इसका भी जो रिजल्ट आया an अप्लाई करने से an is convergent, ठीक है। दूसरी एक अहम बात आप लोगों को बता दूं, अगर मैं bn ले लेता यहां पे, अगर मैं bn ले लेता 1 ओवर n की पावर 3, आप लोग कह रहे हैं कि यहां तो n की पावर 3 है, जब n की पावर मैं 3 ले लेता तो यहाँ पे n की पावर 3 होता है, ये और ये कैंसिल हो जाते, ठीक है। यहाँ पे जो पावर थी इसकी 3 थी, ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। जब पावर ग्रेटर देन 1 होता है तो वो कन्वर्ज कर रही होती है। जब यहाँ पे हम लोग n की पावर 3 से n की पावर 3 अब कैंसिल कर देते हैं, n की जगह पे इंफिनिटी पोर्ट करते हैं, तो लॉग इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी के बराबर। तो यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, नीचे डाइवर्ज कर रही होती। इस वजह से हम लोग ने क्या किया कि bn यहाँ पे अगर 3 है तो हम लोग ने 2 ले लिया, या 2 ले लो या 2.5 ले लो, उससे कम ले लो। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। डाइवर्जेंस टेस्ट से ये नहीं होगा, डाइवर्जेंस टेस्ट से फेल हो जाएगा, क्योंकि नीचे पावर ज्यादा है ऊपर कम है। जब इसको और इसको bn को सॉल्व करेंगे तो ये नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा, आप लोग डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे an सीक्वेंस हमारे पास है, ये टोटल an है, तो हम लोग इसको an का नाम दे देंगे, n स्क्वायर प्लस cos 2n-6, ठीक है। अब क्या लेंगे इसमें से? bn लेंगे, हाईएस्ट पावर फ्रॉम न्यूमिरेटर, n स्क्वायर रूट है तो n की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगी, ठीक है, नीचे n का स्क्वायर। इसको हम लोग अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2-1/2, bn हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n की पावर 3/2। अब ये पावर आ गई यहाँ पे, जिस तरह होता है n की पावर p, मतलब पावर सीरीज को हम लोग देखें, जिसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं, ये पावर हमारे पास आ गई 3/2। इसको मजीद सिंपलीफाई करें, 1/2 क्या है? ग्रेटर देन 1.5, ग्रेटर देन 1 है। तो जब पावर ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो p सीरीज से हम कहते हैं कि ये क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, ये क्या कर रही है? कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब bn तो यहां पे कन्वर्जेंट है, ये हमें पता चल गया। अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट इंफिनिटी के अलावा कोई और नंबर आता है। अगर इंफिनिटी के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि an भी क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट,
लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n डिवाइडेड बाय b n, a n हमारे पास ये वाला है फंक्शन n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस cos 2n minus 6, ठीक है, b n हमारे पास है यहाँ पे 1 ओवर n की पावर 3, तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी नेक्स्ट फंक्शन पे और इसके साथ लिमिट भी आ रही है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n डिवाइडेड बाय b n लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, ये n 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा n स्क्वायर रूट n की पावर 3 डिवाइडेड बाय n की पावर 3 ओवर 2 है, ठीक है, 3 ओवर 2 है यहाँ पे, तो यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस cos 2n minus 6, ठीक है, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर 2, n स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर 2, हम 1 ओवर 2 लिख लेते हैं, अब बेस एक जैसे हो तो पावर ऊपर ऐड हो जाती है, हम लोग इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं, तो 1 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2 और नीचे हो जाएगा n स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जब n स्क्वायर को ये मल्टीप्लाई किया इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस cos 2n - 6, ठीक है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा ये n स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, लिमिट इसकी की, बल्कि ये इसको जब मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे n 2 आ जाएगा नीचे n 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2n minus 6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, लिमिट कितनी आएगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस cos 2n minus 6 और नीचे इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये फंक्शन ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो अब हम लोग ने देखा यहाँ पे इंफिनिटी तो नहीं आया, ठीक है, तो बी एन यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था, तो ये ए एन ओवर बी एन भी यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है ये भी क्या कर रहा होगा, कन्वर्ज कर रहा होगा, ठीक है, इट इज लिख देना लास्ट में इट इज कन्वर्जेंट, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, जब लॉग का फंक्शन आ जाए और उसकी पावर यहाँ पे कोई भी आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए या p आ जाए तो आप लोग इसको सॉल्व कर लिया करो बाय इंटीग्रल टेस्ट, बाय इंटीग्रल टेस्ट, सबसे पहले तो आप लोग इसको an का नाम दे दें यहाँ पे, यह है 1 ओवर n प्लस 1 लॉग n प्लस 1 और ये उसका होल का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आप हम इसको नाम दे देंगे f ऑफ x का, जहां पे n है वहां पे x पुट करते जाएं, ये हो जाएगा log x plus 1 और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 2, इस फंक्शन को हम लोग इस टाइप में भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू log x plus 1 और ये इसकी पावर में कितनी हो जाएगा minus 2 और नीचे हो जाएगा x plus 1, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर उसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, अगर वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ये वाली वैल्यू पुट करने से x की जगह पे तो हम कहेंगे कि इस पे इंटीग्रल टेस्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव ले लें d ओवर dx f ऑफ x इज इक्वल टू d ओवर dx, ये फंक्शन हमारे पास है log x plus 1 इसकी पावर minus 2 डिवाइडेड बाय x plus 1, ये u ओवर v की फॉर्म है तो इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे कोशेंट रूल या जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइड रूल, वो क्या होता है सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 3 हो जाएगा, फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। जी स्टूडेंट ये हमारे पास चल रहा है क्वेश्चन नंबर 28, मैंने क्या कहा था कि जब भी लॉग का फंक्शन हो उसके होल लॉग के ऊपर यहाँ पे कोई पावर आ जाए यहाँ पे 2 आ जाए 3 आ जाए या कोई भी पावर आ जाए तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं बाय इंटीग्रल टेस्ट से, ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम लोग नाम मेंशन कर दें कि ये हमारे पास ए एन है इज इक्वल टू 1 ओवर एन प्लस 1 लॉग नेचुरल एन प्लस 1 इसका होल का यहाँ पे क्या है स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम देंगे f ऑफ x का,
क्या नाम देंगे, एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पे एन है एक्सपोर्ट करते जाएंगे, एक्स प्लस वन लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन और इसका होल का यहाँ पे क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिख लूँ एफ ऑफ एक्स, ये पावर यहाँ पे पॉजिटिव है और न्यूमिरेटर में लिखेंगे तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन, उसकी पावर कितनी है माइनस टू, और इसको नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे वन ओवर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स से। अगर ये इसका रिजल्ट में कोई आ गया, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे वन, तो अगर रिजल्ट आ गया नेगेटिव वैल्यू, तो हम क्या करेंगे इस पे इंटीग्रल टेस्ट का फार्मूला अप्लाई करके हम चेक कर लेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये पावर रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसी का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे वन ओवर एक्स प्लस वन आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन और डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा यहां पे। तो अब हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन और ये वाला टू और लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन, इसकी पावर कितनी है माइनस थ्री और ये हो जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन और माइनस लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन की पावर कितनी है माइनस वन, ठीक है, बल्कि यहाँ पे माइनस टू था, ठीक है। तो नीचे वाले फंक्शन का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट दी हुई है वन से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर हम लोग एक्स की जगह पे यहाँ पे पुट कर दें वन, जब वन पुट करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद कैलकुलेटर से, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस की वजह से सारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब ये फंक्शन का डेरिवेटिव लिया नेगेटिव वैल्यू आई मतलब लेस देन जीरो आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे इसके फिर इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर देंगे, तो बाय इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है कि लिमिट यहाँ पे टी अप्रोचेस टू क्या है और इन्फिनिटी टी से लेकर वन तक एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एक्स। तो अब इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे ये इंटीग्रल टेस्ट का फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि लिमिट इसके लिए है वन से लेकर इन्फिनिटी तक, जब इन्फिनिटी की बात आ जाती है तो हम लोगों ने ले लिया टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे टी की जगह पे मतलब इन्फिनिटी है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये वाला फंक्शन इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे रख के हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं, चले यही वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स प्लस वन लॉग नेचुरल यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी से लेकर वन तक लिमिट है एफ ऑफ एक्स कितना है वन ओवर एक्स प्लस वन लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन और इसकी होल की पावर कितनी है यहाँ पे टू और यहाँ पे क्या है डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे पावर पॉजिटिव है इसको नेगेटिव में लिख लेंगे तो ये आ जाएगी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी से लेकर वन तक, इसको अगर ऐसे लिख लें लॉग नेचुरल एक्स प्लस वन इसकी पावर कितनी है माइनस टू और ये वन ओवर एक्स प्लस वन और ये डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें ये फंक्शन उसकी पावर एन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसकी पावर में ये फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस वन इसकी पावर में माइनस टू प्लस वन, नीचे भी कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस वन और लिमिट कितनी है इसकी टी से लेकर वन तक और लिमिट टी अप्रोचेस कर रहे हैं किसको इन्फिनिटी को,
तो इसको जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा 1 ओवर लॉग नेचुरल एक्स प्लस 1 इसकी पावर 1 हो जाएगी, और लिमिट कितनी है टी से लेकर 1 तक। अब इस पे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर लॉग नेचुरल टी प्लस 1, लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई। जब लिमिट अप्रोच कर लिया टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ पे पोट करेंगे तो लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 ओवर लॉग ऑफ 2। तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर लॉग 2। ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे सीक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। कन्वर्जेंस टेस्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an इज अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, कोई और नंबर आ जाए, तो ये 0 तो नहीं आया, अगर 0 आता तो ये टेस्ट डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पे लिख सकते हैं बाय डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई किया, तो इसका जवाब नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब कोई और नंबर आ गया। अगर 0 आ जाता तो टेस्ट फेल हो जाता, तो हम कह सकते हैं गिवन सीक्वेंसेस डाइवर्जेंट। ठीक है, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अगर इसका 0 रिजल्ट आ जाता तो ये टेस्ट फेल हो जाता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 30। इसका क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग करने लगे हैं अब, वो भी उस तरह का क्वेश्चन जो अभी मैं करने लगा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ। इसकी लिमिट है यहाँ पे इन्फिनिटी से लेकर 2 तक है। ठीक है, 1 ओवर n log n की पावर यहाँ पे कितनी है p। ठीक है, जब मैंने क्या है कहा है कि log के ऊपर कोई पावर आ जाती है तो इसको अप्लाई कर दिया करो आप लोग इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर दिया करो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हम लोगों ने इसको a n का नाम देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा है कि जब किसी लॉग के ऊपर पावर आ जाती है, 2 आ जाए 3 आ जाए होल लॉग के ऊपर पावर, तो हम लोग इसके इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो इसको नाम देते हैं f ऑफ x का। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x log x की पावर यहां पे कितना हो जाएगा p आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पावर यहां पे 1 होगी, तो हम लोग इसको f ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1 ओवर log x की पावर p। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका डेरिवेटिव होगा लेस देन 0 तो हम इस पे इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये हो जाएगा p log x p माइनस 1, और इसका फर्दर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 ओवर x, और ये हो जाएगा log x की पावर p, और इसका होल का यहां पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं और इसमें लिमिट पुट करूं यहां पे है 2 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसको इस फंक्शन को मैं हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा log x की पावर p, और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस आ जाएगा x माइनस 1 p log x p माइनस 1, और ये 1 ओवर x, तो यहां पे क्या है नीचे log x की पावर p, और इसका होल का क्या है यहां पे स्क्वायर, इसको नाम देते हैं कोई एक का। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे x की जगह पे पुट कर दें 2, पुट x इज इक्वल टू 2, अगर 2 पुट कर दें और इसको सिंपलीफाई करें क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, तो इसका सारा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम कहते हैं कि ये लेस देन क्या है 0 है। अगर लेस देन 0 है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इस पे इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर देते हैं बाय इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी टी से लेकर 1 तक। फंक्शन क्या है हमारे पास यहां पे 1 ओवर x log x की पावर कितनी है p, और यहां पे dx। ठीक है, तो हम यहां पे कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट इसका। इंटीग्रल टेस्ट करके इसको हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे और देखते हैं कोई फाइनाइट वैल्यू आती है या इनफिनाइट। तो ये जब हम लोग इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंफिनिटी से लेकर 2 तक, लिमिट है इसकी टी से लेकर 2 तक थी, सॉरी
तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log x की पावर माइनस पी और ये 1 ओवर x और ये dx, ये 1 ओवर x था, इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो ये फार्मूला होता है कि log x कोई फंक्शन हो, ठीक है, कोई फंक्शन हो उसकी पावर n हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं कि इसकी n में एक ऐड कर देते हैं, डिवाइड में भी एक ऐड कर देते हैं, ये फार्मूला, ठीक है, प्लस सी कर देते हैं, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट दी हुई है तो प्लस सी नहीं करेंगे, पर यही वाला रूल मैंने आप लोगों को बताया। तो ये क्या करेंगे, लॉग एक्स की पावर माइनस पी प्लस वन माइनस पी प्लस वन, और लिमिट कितनी है इसकी, टी से लेकर वन तक लिमिट कितनी है, टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं यहाँ पे बी का, अगर यहाँ पे पी की जगह पे कुछ और होता, टू होता, थ्री होता, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती, तो फिर तो हम लोग पी को आगे सॉल्व करते, लिमिट पुट कर लेते, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने पी सीरीज वाले दो केस लिख लेने हैं, दो या तीन जो केस हैं, केस नंबर वन, अगर पावर आ जाए ग्रेटर देन वन तो गिवन सीक्वेंस क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है, गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर केस नंबर टू या जिसको थ्री भी कहते हैं, अगर पावर लेस देन या इक्वल टू वन आ जाए, या इक्वल टू वन आए या लेस देन वन आए, तो क्या कर रही होती है, सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो यहां तक इसका ये आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा।